वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज माय डीएसयू बेसिक एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन वैसे चीज़ों से बनती है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन बोले जाते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो टाइप से होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो टाइप से होते हैं। पहले को कहते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक, और दूसरे को कहते हैं एरोमैटिक, एरोमैटिक। दोस्तों, आज हम लोग एलिफैटिक के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। एलिफैटिक थ्री टाइप से होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं एल्केन, सेकेंड को कहते हैं एल्कीन, और थर्ड को कहते हैं एल्काइन। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एन, इन और आइन को हम लोग सफिक्स नहीं, सफिक्स नहीं, सफिक्स के ही रूप में प्रयोग करेंगे, सफिक्स के रूप में। सफिक्स मतलब क्या होता है? सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय, है ना, प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा एन जो है लास्ट में जुड़ रहा है ना, ए एन ई, और यहाँ पे ए ई एन ई, और यहाँ पे वाई एन ई, ये तीनों मेरा सफिक्स कहलाएंगे। ओके दोस्तों, चले आगे। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एल्केन को। दोस्तों, एल्किन को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिंपल जो कार्बन होते हैं, सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो होते हैं मीथेन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एल्केन, एल्केन, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, एल्किन के फॉर्मूला होते हैं CnH2n+2। दोस्तों, CnH2n+2, तो आप देखेंगे हम लोग कुछ कार्बन कंपाउंड को फॉलो करेंगे जिसमें कि देखेंगे कि एल्किन की क्या क्या हो सकती है इस फॉर्मूला से। दोस्तों, C बराबर अगर हम 1 लेते हैं, सी बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, 9, सी बराबर 9, एन इक्वल टू 1, तो एन क्या है यहाँ पे, नंबर है ना। तो जब एन इक्वल टू 1 लेते हैं तो सी मेरा 1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन मेरा 2 × 1 हो जाएगा, और प्लस 2। तो क्या बोलोगे सर? दोस्त, आप बोलोगे सर सी 1 है और हाइड्रोजन 2 × 2 + 2, ये 4 हो जाएगा। जब सी एच 4 हो गया, C1H4, तो इसको हम लोग कहेंगे सिंपली CH4, ओके। और CH4 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब बनाएंगे तो हो जाएगी C1 और 4 हाइड्रोजन, लाइक दिस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या दोस्तों? मीथेन। जब हम लोग n इक्वल टू 2 लेते हैं तो आप बोलोगे, दोस्त आप बोलोगे C2H 2 × 2 + 2। तो आप बताओ, C2 तो हो गया सिंपली, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 2 = 4 हो गए, 2 × 2 = 4 हो गए ना, प्लस 2, तो H हो गए 6।
तो आप ये फॉर्मूला जब बनाओगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओगे, तो कार्बन कितने हैं? दो है। सबसे पहले कार्बन के दो फॉर्मूला बना, दो कार्बन ले लो, सिंगल बॉन्ड से मैंने जोड़ दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? सिक्स है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, 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 4 5 एंड 6। इसका नाम क्या दोगे सर? इसका नाम देंगे इथेन। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग एन इक्वल टू 3 लेंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनने वाली है, C3H2 × 3 + 2। देखो दोस्तों, आप यहां पे कंफ्यूजन मत करना, C2 × 3 + 2, तो ये फॉर्मूला बनेगी आपके C3H8। तो ये क्या बन जाएंगे? C3 बोला ना, तो कार्बन 3 ले लीजिए, 1 2 1 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। हाइड्रोजन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए, तो इसके क्या बोलेंगे सर? इसे बोलेंगे प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं एन इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा? C4H2 × 4 + 2, C4H4 × 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। फ्रेंड्स अब देखो, यहाँ पे C4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। अब बोलोगे सर इसमें हाइड्रोजन सिंगल है लेकिन कार्बन के तो 4 बॉन्ड है, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके डायरेक्ट बना लूं, है ना। और कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, तो वो चाहता है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन लेके मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूं। तो इसका नाम क्या बोलोगे आप? प्रोपेन के बाद ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आइसो और ब्यूटेन ये सारे जो होते हैं, न्यू ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, ये सारे होते हैं, गैस में रिफिल किए जाते हैं, जिससे कि हमारे घर में स्टोव चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, जब एन बराबर मेरे पास 5 है, तो क्या हो जाएगा? C5, और एच क्या होगा बताओ? 2 × 5 + 2, C5H5 × 10, 2 × 5 = 10 + 2 = 12। तो हम अब कार्बन कितना लेने वाले हैं दोस्तों? 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सब में हाइड्रोजन लगा देंगे ना दोस्तों, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये हाइड्रोकार्बन का, एलिफेटिक का है, इसे क्या कहते हैं? अब बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 है सर, तो बोलोगे इसे हम लोग बोलेंगे पेंटेन। पेंटेन देखो, सब में एन आई है, एन आया है, एन आया है, एन आया है और एन आया है। ठीक है ना, ये सारे मेरे प्रीफिक्स सब में है। इसके आगे जब हम जब जाएंगे एन इक्वल टू 6 लेंगे, तो मेरे हो जाएंगे हेक्सेन हो जाएंगे। एन इक्वल टू 6 लेते हैं तो मेरा हो जाएगा हेक्सेन। एन इक्वल टू 7 लेंगे तो हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है फ्रेंड्स, एन इक्वल टू 8 ले लेंगे तो ऑक्टेन।
n इक्वल टू 9 ले लेंगे तो नॉन n, नॉन n, और n इक्वल टू 10 ले लेंगे तो डी के n, ठीक है, सब में n लगा हुआ। सो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कार्बन पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो टाइप से होते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलिफेटिक का एल्केन, ठीक है, क्योंकि एलिफेटिक में थ्री टाइप्स होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन के फॉर्मूला होते हैं CnH2n+2, जो आप लोगों ने देख चुका, n इक्वल टू 1 तो हो गया मीथेन, n इक्वल टू 2 तो ये हो गया मेरा इथेन, n इक्वल टू 3 तो ये मेरे आ जाएंगे प्रोपेन, n इक्वल टू 4 तो ये हो जाएंगे ब्यूटेन, n इक्वल टू 5 तो ये हो जाएंगे मेरा पेंटेन। सिमिलरली n इक्वल टू 6 हेक्सेन, n इक्वल टू 7 हेप्टेन, n इक्वल टू 8 ऑक्टेन, n इक्वल टू 9 नॉन एन, और n इक्वल टू 10 डिकेन।